सो हेलो एवरीवन, ये है डायनेमिक इंडस्ट्रीज़ के क्वार्टर वन के रिज़ल्ट। तो यहाँ पर देखते हैं इस शेयर के रिज़ल्ट कैसे रहे हैं। शुरुआत करते हैं शेयर के टोटल इनकम से। ईयरली बेसिस में जो इनकम थी यहाँ पे वो 1497 लाख थी, जो अब यहाँ पर डिक्रीज होकर 729 लाख यहाँ पर हो गई है। यानी क्वार्टरली बेसिस में इस शेयर की इनकम जो है यहाँ पर डिक्रीज हुई है। यहाँ पर अगर हम टोटल एक्सपेंस को देखते हैं, एक्सपेंस यहाँ पर जो है 1410 लाख थे, जो अब यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस में 753 लाख हो गए हैं। यानी इनकम के साथ साथ एक्सपेंस भी घटे हैं। यहाँ पे हम टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की बात करते हैं, 77.58 लाख शेयर का यहाँ पर ईयरली बेसिस में कॉम्प्रिहेंसिव इनकम था, जो 17.43 लाख हो गया है, ब्रैकेट में है, यानी कि लॉस में हो गया है। अर्निंग पर शेयर जो है यहाँ पर 2.49 रुपये था, अब जो है 0.58 रुपये हो गया है, ब्रैकेट में है, यानी कि अभी भी लॉस में है। ओवरऑल यहाँ पर जो शेयर के रिजल्ट है वो अच्छे नहीं रहे हैं। और शेयर का जो टारगेट है इस मंथ तक का, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है 65 रुपये के अराउंड वैसे तो देखने को मिल सकता है। तो वैसे इस शेयर को होल्ड करने के लिए यहाँ पे आप इस मंथ तक होल्ड कर लीजिए, फिर चाहे सेल करना चाहते हैं तो सेल भी कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के प्रस्पेक्टिव से होल्ड करने के लिए जो ये शेयर है वो ये सही नहीं है, इसलिए आप इस शेयर को यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए होल्ड कर लीजिए, उसके बाद सेल करना चाहे, जैसे ही शेयर अप ट्रेंड की तरफ मूव ले तो आप इस शेयर को यहाँ पर सेल करके एग्जिट ले सकते हैं।